सो हेलो गाइज, सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। सो गाइज, इस टाइम में तो इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, तो इसलिए मैं एक सोचा कि लॉकडाउन का फोटो एडिट करूँगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा लॉकडाउन का फोटो एडिट कैसे कर सकते हो, ठीक है, पिकशॉट की मदद से। सो गाइज, वीडियो को ध्यान से देखना है और एक एक स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। सो गाइज, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कर लेना, और पास में रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो गाइज, चलिए चलते इंट्रो के साथ। सो गाइज, देख सकते हो मैं पिकशॉट के अंदर आ गया हूँ, और पिकशॉट के अंदर आने के बाद इस प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा और जाऊँगा ऑल फोटो के अंदर, और जो बैकग्राउंड है उसको सिलेक्ट कर लूँगा सबसे पहले, ठीक है। सो गाइज, देख सकते हो मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब क्या करूँगा, जाऊँगा ऑल फोटो के अंदर और जो मॉडल का PNG है उसको ऐड कर लूँगा। सो गाइज, मॉडल का PNG देख सकते हो पहले से रिमूव कर चुका हूँ मैं बैकग्राउंड रिमूव से। अगर आपको नहीं पता है कैसे बैकग्राउंड रिमूव करता है, कटआउट करता है, तो इसलिए मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, उधर से देख लेना, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से बड़ा करके इसको कर दूँगा डन, और डन करने के बाद जाऊँगा फिर से ऐड फोटो के अंदर और जो लॉकडाउन का PNG है उसको ऐड कर लूँगा, ठीक है। सो गाइज, देख सकते हो कुछ इस तरीके से बड़ा करने के बाद फुल स्क्रीन करके लगा देना है, ठीक है। ये बैकग्राउंड का साइज से है, ठीक है, ये बैकग्राउंड का साइज है, तो इसको सिर्फ फुल स्क्रीन कर देना है और लगा देना है। तो दूसरी PNG को भी ऐड कर लेता हूँ, तो इसको भी कुछ फुल स्क्रीन करके लगा लूँगा, देन इसको कर दूँगा डन, और डन करने के बाद जो तीसरी वाला PNG है लॉकडाउन का उसको भी ऐड कर लूँगा, और कुछ इस तरीके से इसको भी फुल स्क्रीन कर दूंगा, ठीक है। सो गाइज, देख सकते हो लॉकडाउन का जो PNG था वो मैं बसा लिया हूँ अच्छे तरीके से, तो इसको कर दूंगा डन, और डन करने के बाद और एक PNG ऐड करूंगा, फायर PNG, ठीक है, जो हेयर के ऊपर जलता हुआ आ रहा था, ठीक है, लग रहा था। सो उसको भी ऐड कर लेता हूँ सब। सो गाइज, ये देख सकते हो फायर वाला PNG, इसको भी कर दूंगा फुल स्क्रीन और कुछ इस तरीके से सेट कर दूंगा, ठीक है। तो इसको भी कर दूंगा डन, और डन करने के बाद और एक लास्ट PNG ऐड करूंगा, ठीक है, वो है लाइट PNG, ये देख सकते हो लाइट PNG। तो इसका ब्लड मोड कर दूंगा मैं स्क्रीन, तो सबसे पहले मैं ब्लड में जाता हूँ ब्लेंड, और इसको कर दूंगा स्क्रीन। तो इसको कुछ इस तरीके से फायर PNG के ऊपर अच्छी तरीके से बसाने के बाद थोड़ा सा छोटा कर लूँगा, और इसका ऊपर सेटिंग कम कर दूंगा, ठीक है। तो इसका ऊपर से सबसे पहले मैं कम कर लेता हूं, कुछ इतना कर दूंगा। सो गाइस, देख सकते हो कुछ इतना कर दूंगा, नहीं तो ज्यादा करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, 70 के आसपास रखूंगा, ठीक है। तो इसको कर दूंगा डन, और डन करने के बाद क्या करूंगा, फोटो को सेव कर लूंगा, ठीक है। तो सेव करने के लिए जाऊंगा ड्रॉ टूल के अंदर, ड्रॉ टूल के अंदर जाने के बाद लेफ्ट साइड में ऊपर देख सकते हो 3 डॉट, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर देख सकते हो सेव टू इमेज, यहाँ पर सेव कर लूँगा। तो फोटो को थोड़ा सा रिटचिंग करने के लिए जाऊँगा लाइट रूम के अंदर, तो चलिए चलते हैं लाइट रूम के अंदर। सो गाइस, देख सकते हो लाइट रूम के अंदर आ गया हूँ, अब ऑल फोटो के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर देख सकते हो फोटो ऐड हो चुका है, तो इसको ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद जाऊँगा लाइट बल्ब ऑप्शन के अंदर, और एक्सपोजर को कर दूंगा 20 बढ़ाऊंगा, और क्लियरिटी को कम करूंगा 10%, हाईलाइट को बढ़ाऊंगा 10%, एंड शैडो को कम करूंगा 10%, ठीक है, वाइट को बढ़ाऊंगा 14%, और ब्लैक को बढ़ाऊंगा 10%। सीधा चला जाऊंगा यहाँ पर देख सकते हो थर्मामीटर वाला ऑप्शन के अंदर, जो यहाँ पर देख सकते हैं इस वाला आइकन के अंदर आ जाऊँगा, और टेम्प को कर कमाऊँगा 8%, और सेचुरेशन को बढ़ाऊँगा 6%, जो नीचे सबसे नीचे देख सकते हो सेचुरेशन, इसको बढ़ाऊँगा 6%, और सीधा चला जाऊँगा मिक्स टूल के अंदर, ऊपर देख सकते हो मिक्स, यहाँ पर जाऊँगा और रेड कलर का ह्यू को बढ़ाऊँगा 11%,
और सेचुरेशन को बढ़ाऊंगा 8%। और लुमिनेंस को कम करूंगा 4%। चला जाऊंगा ऑरेंज कलर के अंदर और ह्यू को बढ़ाऊंगा 4%। सेचुरेशन को कम करूंगा 10%। और लुमिनेंस को बढ़ाऊंगा 20%। ठीक है, सो गाइस देख सकते हो यहाँ पर हो गया। अब चला जाऊंगा स्काई कलर के अंदर, 5 नंबर पर जो कलर टूल है यहाँ पर आ जाऊंगा और इसका ह्यू को बढ़ाऊंगा 20%, सेचुरेशन को बढ़ाऊंगा 13%, और लुमिनेंस को 16% बढ़ाऊंगा। ठीक है, और चला जाऊंगा ब्लू कलर के अंदर और इसका ह्यू को बढ़ाऊंगा 20 और सेचुरेशन को डाल दूंगा 19%, और लुमिनेंस को बढ़ा दूंगा 10%। ठीक है, इसको भी डाल दूंगा 10%, और कुछ नहीं करूंगा यहाँ पर, इसको कर दूंगा डन। और डन करने के बाद जाऊंगा डिटेल वाला ऑप्शन के अंदर और नॉइस रिएक्शन को डाल सर्फिंग के अंदर डाल दूंगा सबसे पहले 20%, और नॉइस रिएक्शन को डाल दूंगा 14%, और कलर नॉइस रिएक्शन को डाल दूंगा 20%। ठीक है, सो गाइज लाइटरूम के अंदर पूरी तरीके से काम हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है देखने के लिए। ये देख सकते हो बिफोर वाला कैसा था और लाइटरूम को एडिट करने के बाद कैसा बन चुका है। ठीक है, एकदम ऑसम लग रहा है देखने के लिए। सो गाइज फोटो को सेव करने के लिए क्या करना है, ऊपर देख सकते हो शेयर वाला ऑप्शन के अंदर क्लिक करना है और नीचे देख सकते हो एक्सपोर्ट यहाँ पर क्लिक करना है और राइट साइड में ऊपर राइट क्लिक में क्लिक कर देना है और फुल HD में लाइटरूम पे फोटो सेव हो जाएगा। ठीक है, गैलरी में चला जाएगा। सो गाइज वीडियो को ज़्यादा से पसंद आए तो वीडियो को कर देना एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।